तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन में से आप लोग डाटा रिकवरी कैसे करेंगे। डाटा रिकवरी मतलब हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में आप एमएमसी आईसी के अंदर से डाटा कैसे निकालेंगे, उसका तरीका दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हमारे योफाई का सबसे पहला प्रैक्टिकल है। इससे पहले मैंने योफाई को यूज कैसे किया जाता है, योफाई बॉक्स को कनेक्ट कैसे करते हैं, या योफाई के अंदर आईसी को रिवॉल्व करके लगाया कैसे जाता है, आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, इसके बारे में एक एक करके मैंने बहुत सारा मैंने आपको वीडियो दिया था। उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है और बहुत सारी चीजें हेल्पफुल भी हुई है। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों लोगों ने मैसेज भी किया है कि सर मुझे जो भी टॉपिक आप बता रहे हैं मैं उसको सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और इसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे जो भी टॉपिक हम आपको बताते हैं वो लोग नोट भी करते हैं। कि जैसे आज मेरे पास एक धनबाद सिंह मेरा स्टूडेंट था, उसका फोन आया था। उसने बोला कि सर मैं 1 साल से मैं आपकी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की वीडियो देख रहा हूँ। इससे पहले मैं एक दुकान में काम करता था, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी गया था, वहां पर काम भी किया, सीखा भी, लेकिन वो सारी चीजें सीख नहीं पाया तो मैं वहां से हट गया, छोड़ दिया। मैं आज भी अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप में अपना घर पे ही काम करता हूँ, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैंने काफी चीजें सीखी और उनको अच्छे से नोट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि अगर हम आपको सिखाते हैं और सिखाने के साथ अगर आपको बेनिफिट होता है तो बहुत अच्छी बात है और उसका बेनिफिट होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा सिखा हुआ सिद्ध हो और आप अच्छे तरीके से काम करो, अच्छे तरीके से सफल हो पाओ। और अगर इस लेवल के अगर कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। तो चलो चलते हैं दोस्तों हम अपने टॉपिक के ऊपर। हम लोग सीखते हैं कि कोई भी हमारे पास मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन का आईसी को उतार करके उसके अंदर के डाटा को रिकवर कैसे किया जाता है, यानी एमएमसी आईसी के अंदर से डाटा को निकाला कैसे जाता है योफाई के माध्यम से, उसका तरीका दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात क्या है, ये योफाई बॉक्स आता है। इस योफाई बॉक्स को आप ऐसे कनेक्ट कर देंगे, एमएमसी आईसी आती है, ये देखिए ये दोस्तों मेरी एमएमसी आईसी है। इस एमएमसी आईसी को हम लोग किसी मोबाइल फोन के बोर्ड से निकालते हैं, रिवॉल्व करके इसमें से लगा देते हैं। रिवॉल्व करने के बाद जब हम लोग इसमें लगा देंगे, लगा देने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। ये हमारा कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस यूएफआई का जो सेटअप होता है, यूएफआई के सेटअप को हम लोग इसमें लगा देंगे। लगा देने के बाद फिर हम लोग इसको यूएसबी केबल के माध्यम से लगाएंगे। जैसे आप यूएसबी केबल के माध्यम से आप इसको लगा देंगे, कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट करने के बाद फिर आप उसका टूल खोलेंगे। देखिए ये हमारे कंप्यूटर पर आ गए, एमएमसी का टूल ऑप्शन आता है, इस टूल को ओपन करेंगे। ओके, जब ये टूल हमारा ओपन हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो बता रहा हूं ताकि आप लोग देख करके अच्छे से समझ सकें, समझे। क्लोज, आज मैं आपको इसके माध्यम से अंदर का जो डाटा है उसको निकालने दिखाता हूं, उसको पहले अपडेट करते हैं, बोला अपडेट नहीं करेंगे, हमने बड़ी स्क्रीन पे कर लिया। डाटा निकालने के लिए सबसे पहली बार आपको यूजर एरिया पार्ट में जाना है। कहाँ जाना है दोस्तों, यूजर एरिया पार्ट। अच्छा, यूजर एरिया पार्ट में जाने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि आइडेंटिफाई करने से हम लोग एमएमसी आईसी से कनेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एमएमसी आईसी कनेक्ट हो जाएंगे। हमारे सॉफ्टवेयर उसको रीड कर रहा है, थोड़ा सा वेट करें, समय लगता है, टाइम लगता है। ये देखिए ये आपके समरी आ गई, पूरा डिटेल आ गया और ये एमएमसी आईसी के अंदर के पार्टीशन आ गए, सॉफ्टवेयर सारी चीज आ गई। आप क्या करेंगे, यूजर एरिया पार्ट में जाएंगे। यूजर एरिया पार्ट में जाने के बाद ये देखिए जितने भी सारे पार्टीशन आते हैं सब पार्टीशन खुल जाएंगे। पार्टीशन खुलने के बाद आप इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यूजर डाटा नाम का फोल्डर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, यूजर डाटा नाम का फोल्डर आएगा। अब यूजर डाटा नाम का फोल्डर पहले तो ये आ रहा है, दूसरा अगर आप देखेंगे तो एक यूजर डाटा आ रहा है, एक अगर आप देखेंगे तो ये यूजर डाटा आ रहा है। अब हमारी बात आती है हम लोग किसको ओपन करेंगे, तो इसमें लिखा 1.2 GB, इसमें हो सकता है डाटा। इसमें लिखा है 1 MIB, इसमें क्या कुछ खास डाटा हमारा नहीं। इसमें लिखा है डिवाइस इन्फो, डिवाइस की इन्फॉर्मेशन है, यूजर डाटा कुछ खास नहीं है। दूसरा इसमें लिखा यूएसबी एमएस डिस्क, यहाँ पर ये डाटा 1000 MB का स्पेस दिया, मतलब 1 GB समथिंग दिया, मतलब 1 GB में डाटा हमारा हो सकता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे
राइट क्लिक करने पर नीचे दोस्तों ऑप्शन आता है एक्सप्लोर फाइल सिस्टम। देखिए एक्सप्लोर फाइल सिस्टम किया, ये खुल गया। उसके बाद सबसे पहली बात मीडिया नाम का फोल्डर खुलेगा, जीरो नाम का फोल्डर खुलेगा। उसके अंदर देखेंगे कोई इंटरनल डाटा नहीं दिखाई दे रहा है। आप इसके अंदर डाटा नाम का फोल्डर आता है, आप मीडिया में चले जाइए, मीडिया में कोई डाटा नहीं दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर देखिए आपका ऑडियो है जीरो, कैमरा जीरो, मतलब इसमें कोई डाटा नहीं है। जब कोई डाटा नहीं है तो हमने इसको क्या किया, क्लोज किया। क्लोज करने के बाद फिर यूजर डाटा नाम का दूसरा फोल्डर था, ये इसमें जाकर के सेम वही कंडीशन राइट क्लिक करके एक्सप्लोर फाइल सिस्टम किया, खुल गया। नहीं खुलता कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा आइडेंटिफाई करिए। ये जितने भी सारे दोस्तों मैं आपको वीडियो देता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो है, सारी ट्रेनिंग की वीडियो है, ताकि आप लोग सीख सकें, समझ सकें कि कितना इसको चलाना आसान है, कितना आसान तरीके से इसे यूज किया जा सकता है, कैसे इसको सीखा जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको आईसीबी रिवॉल्विंग काम आना चाहिए, ताकि आप रिवॉल्व करके इसमें लगा सको, आइडेंटिफाई कर सको और फिर से दोबारा मोबाइल फोन के अंदर आईसी को दोबारा से इंस्टॉल कर सको। तो आइडेंटिफाई किया, फिर हमने पार्टीशन में गए, इस पार्टीशन अपने यूजर डाटा फोल्डर के अंदर गए, एक्सप्लोर फाइल सिस्टम किया। जैसे एक्सप्लोर फाइल सिस्टम किया तो देखिए हमारा ये खुल गया। इसके अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहले म्यूजिक में जाएंगे, तो म्यूजिक में कुछ नहीं, जीरो आइटम है। फोटोज में क्लिक किया, जीरो आइटम है। वीडियो में क्लिक किया, वीडियो में कोई आइटम नहीं है। डाउनलोड पे क्लिक किया, अच्छा डाउनलोड पे क्लिक करते ही देखिए ये हमारी खुल गई। अब हमने कि ये देखे 8.757 MB, ये हमारा गाना है, ये कोई वीडियो फॉर्म में गाना है। इसमें आप राइट क्लिक करेंगे, सेव टू करेंगे, ये बोलेगा कहाँ पर सेव होना है। देखिए यहाँ पर चल रहा है, ये सेव होने के लिए बोल रहा है, ऐसे स्क्रॉल चल रहा है। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ब्लू कलर से दिख रहा है ना, ऐसे लाइनिंग चल रही है, लाइनिंग 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 चल रही है। क्रिएट 12/10/2019 में ये वीडियो को इसमें डाला गया था, हो गया। अब देखिए ऐसा खुल जाएगा। ऐसा खुलने के बाद आपको डेस्कटॉप में जाना है, डेस्कटॉप क्रिएट करना है, डेस्कटॉप में फोल्डर बना लेना है। ये फोल्डर बना दिया, डाटा रिकवर, डाटा रिकवर नाम का मैंने फोल्डर बना लिया, सेलेक्ट कर लिया, हमारा डाटा चला गया। इसके बाद हमने इसको मिनिमाइज किया, मिनिमाइज करने के बाद देखेंगे, ये देखिए डाटा रिकवर नाम का फोल्डर बन गया। इस फोल्डर को खोला, ये इसमें वीडियो आ गई, इस वीडियो को हमने ओपन किया। देखिए दोस्तों ये हमारा डाटा क्या, ये वो डाटा जो आईसी के अंदर डाटा है, कौन सा है, अब देखो ऐसा डाटा निकला जिसे मनोरंजन भी हो रहा है। अब ज्यादा मनोरंजन नहीं करना, आगे देखते हैं। चलो हमने इसको क्लोज किया, फिर देखते हैं क्या नई चीज निकलती है। एक ये गाना पड़ा हुआ है, ये पूनम फुल मूवी 83 MB, ऐसा मतलब जो कोई खतरनाक ही आइटम निकला है। देखो मोबाइल फोन के जितने कारीगर होते हैं, मोबाइल फोन के जितने बंदे होते हैं, वो अपने बिल्कुल खुफिया राज ही रखते हैं। जैसे मैंने इसको किया, देखिए यहाँ पर सेव हो रहा है। एक्चुअली ये 83 MB का है, तो 83 MB का थोड़ा सा इसको ओपन होने में समय लगेगा। अब हमने चलो लगा दिया है तो ओपन हो जाने देते हैं। तो इस तरीके से जितने भी हमारे पास जो भी स्टूडेंट लोग होते हैं, जो लोग कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल ट्रेनिंग ले सकते हैं। और इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन के अंदर आपने देखा कितना आसान तरीके से हम लोग मोबाइल फ़ोन में डाटा को रिकवर कर सकते हैं, या डाटा को हमने रिकवरी किया हुआ है, और बड़ा आसान तरीके से आपने इसको सीखा है। इसी तरीके से जो भी हमारे पास बच्चे लोग होते हैं, जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, तो बड़ा ईजी वे में सीख करके जाते हैं। और हम लोग अपने बच्चों को स्टेप बाई स्टेप वन बाई वन करके उनको सिखाते हैं, समझाते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स कराते हैं, ये टोटल 45 दिन का कोर्स होता है। 45 दिन के अंदर आप आ करके ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फ़ोन को बनाने का तरीका सीख सकते हैं। आज मेरे पास एक लोगों का और फ़ोन आया था जो फरुखाबाद के रहने वाले थे,
वो भी कह रहे थे कि सर मैं 2-3 महीने से मैं पहले सर्च कर रहा था कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कहाँ से सीखूँ कहाँ से सीखूँ। फिर बाद में हमने वीडियो के माध्यम से मेरे बारे में पता चला, तो उन्होंने कह रहे सर मैं 2-3 महीने से आपकी वीडियो देख रहा हूँ, कहीं और लोग थे उनका भी वीडियो देखा, लेकिन काफ़ी चीज़ आपके माध्यम से मुझे सीखने को मिला। तो हो सकता है कि कल परसों में आए वो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करें। और अभी फ़िलहाल जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा, अभी कोई नया बैच नहीं है, अभी सारे बैच फुल चल रहे हैं। जब आपको क्लास में आना है तो आप फ़ोन करके आएँ, और कौन से टाइम पे कब बैच लेना है इस बैच को ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग आ गए फिर हम लोग उससे अरेंजमेंट न कर पाएँ तो भी अच्छा नहीं है। तो आप लोग जब भी आएंगे तो आप फ़ोन करके आएंगे, बात करके आएंगे, कॉल करके आएंगे, कि जिस डेट को बैच होगा आप उसी डेट में आएंगे। आने से पहले आप अपना आधार फोटो वगैरह डिटेल हमको भेज देंगे ताकि आपको बैच मिल सके, और हम 15 से 20 बच्चे जितने सारे बच्चे लोग आते हैं महीने में ट्रेनिंग के लिए तो हम उतने ही बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो बड़ा हाच पोच हो जाता है, फिर हो नहीं पाता। और होने का मतलब क्या है, सिखाने के लिए हम हैं और भी सर हैं और भी क्लास कराते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी बच्चे लोग आए प्रॉपर वे में सीख करके जाएँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने कोई चीज़ को बता दिया काम खत्म है। सब लोगों को एक एक बच्चों को प्रैक्टिकल कराना पड़ता है, हाथ पकड़ पकड़ के सिखाना पड़ता है, क्योंकि इसमें से आप जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन लोगों ने हार्ड गन नहीं पकड़ा, कि उन्होंने हार्ड गन को ऐसे पकड़ना है कैसे चाकू की तरह पकड़ना है, आयरन को पेन की तरह पकड़ना है कि चाकू की तरह पकड़ना है, वो यही नहीं जानते। मतलब आज तक उन्होंने काम ही नहीं किया है, मोबाइल फोन लाइन में बिल्कुल जीरो, अननोन जिसे कहते हैं बिल्कुल नील बटे सन्नाटा, आज तक उन्होंने काम ही नहीं किया, देखा ही नहीं। कहते रिपेयरिंग तो करवाया, फोन तो देखा लेकिन खुद नहीं किया। और उन्होंने ट्रेनिंग के लिए सोचा तो लगता है कि अरे कैसे हम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों आप निराश मत हो, आप आएंगे सीख करके जाएंगे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल हर एक बच्चों को बिल्कुल स्पेशली लेवल के अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं ताकि हमारा बच्चा सीख करके अच्छी तरीके से खड़ा हो सके। और आज जो हम लोग जो टॉपिक के माध्यम से सीख रहे हैं वो यूएफआई के माध्यम से डाटा को रिकवर कैसे किया जाएगा, डाटा रिकवर करने का तरीका क्या है उसके बारे में सीख रहे हैं। यूएफआई के बहुत सारे काफ़ी सारे पार्ट आते हैं, मैं इसके और भी सारे पार्ट्स आते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। इसके साथ में जैसे देखो ये अडेप्टर है, ये भी अडेप्टर आता है, इसके साथ में यूएफआई लाइट है, ये हमारा यूएफआई लाइट आता है। अच्छा यूएफआई लाइट क्या काम करता है, जो ये अडेप्टर आता है इस अडेप्टर को आप इसमें लगा देंगे ऐसे, ये यूएसबी मेथड से कनेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होता है फास्ट डाटा रीड राइट होता है। फिर उसके बाद टीएमएस अडेप्टर आता है, इस टीएमएस अडेप्टर के माध्यम से हमको आईसी को बोर्ड से उतारना नहीं पड़ता, हम लोग ऐसे ही इजीली उसको कर सकते हैं। अब तब तक देखिए वीडियो हमारी पूरी होने वाली है, जैसे वीडियो पूरी हो जाती है तो फिर मैं बताता हूँ। जैसे ये तो मैंने ऐसे ही इसमें वीडियो सॉन्ग पढ़ा था तो मैंने उसको किया, इसी तरीके से आप मोबाइल फोन के अंदर जो भी चीजें, क्या जैसे उसका वीडियो पड़ा है उसका फोटो पड़ा है, या उसने कोई अपना कोई फोटो पिक्चर वगैरह कोई चीज को शूट किया हुआ है, या कोई भी ऐसा अगर उसके अंदर इंपॉर्टेंट डाटा है, कॉन्टेक्ट्स हैं, या कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा है, तो उस डाटा को आप रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप ध्यान ध्यान रखिए, आप वही डाटा को रिकवर कर सकते हैं जो उसकी फोन स्टोरेज के अंदर, इंटरनल स्टोरेज के अंदर सेव है। ये नहीं कि आपका जीमेल आईडी में डाटा सेव है तुम यहाँ रिकवर कर रहे हो, ये नहीं कि सिम के अंदर डाटा सेव है, मेमोरी कार्ड के अंदर सेव है तुम इसमें ढूंढ रहे हो, तो नहीं होने वाला। देखिए दोस्तों ये हो गया, तो हमारे स्क्रीन में खुल के आ गया, ऑटोमेटिक आपको डेस्कटॉप में जाना है, पूछेगा डाटा कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, डाटा रिकवरी, ओके सिलेक्ट, चला गया डाटा। फिर से देखते हैं अब क्या खतरनाक आइटम हम लोगों ने रिकवर किया है, पूनम। पूरी पिक्चर ही आ गई का, दो घंटे की पूरी पिक्चर ही आ गई, 83 MB की, 3 GB में पूरी पिक्चर ही आ गई, पूरी पिक्चर रिकवर हो गई। अरे पूरी मूवी का मूवी देख रहे, टाइम देख रहे हो ना, अब देखिए फिर कोई चलते अपने टॉपिक के ऊपर। ये तो हमने यहां पर देखा, उसके बाद वीडियो में गए डाउनलोड में, ये तो मिल गया डीसीएम, डीसीएम के अंदर जाएंगे तो ये हमारी फोटो पड़ी है, हमारी हमको फोटो देखना है इसके अंदर क्या फोटो है। चलिए सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सेव टू डेस्कटॉप, छोटा साइज का तुरंत खुल गया, डेस्कटॉप में गए ओपन किया। अच्छा यूएफआई बॉक्स के माध्यम से हम लोग एक एक सी फोटो वीडियो को सेव कर सकते हैं एक साथ, मल्टीपल कई सारे को नहीं किया जा सकता। सेलेक्ट, चला गया,
उसके बाद जियो चैट, जियो चैट में क्या है, ये कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, व्हाट्सअप खाली, देखिए ये फोटो भाई, ये देखो इन्होंने अपनी फोटो को खींच कर रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन के अंदर हम लोग डाटा को रिकवरी कर सकते हैं। आपने देखा कितना आसान तरीके से मैंने मोबाइल फोन के अंदर डाटा को रिकवर किया, और उसको मैंने आपको करके भी दिखाया और आपको उसका प्रैक्टिकल भी कराया। तो दोस्तों फिर एक बार मैं बता देता हूँ, एक बार समझाता हूँ, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद एक बार दोबारा बता दूँ। सबसे पहली बात, यूजर एरिया पार्ट, पार्टीशन, पार्टीशन में यूजर डाटा का ऑप्शन आएगा, राइट क्लिक करेंगे, एक्सप्लोर फाइल सिस्टम आ जाएगा, एक्सप्लोर फाइल सिस्टम के बाद वीडियो डीसीएम अदर एक एक करके खोलेंगे। जो भी आपको डाउनलोड कराना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, जैसे राइट क्लिक करेंगे उसको सेव टू में चले जाएंगे। सेव टू में जाने के बाद ये वीडियो सेव हो रही है और हमारी सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन के अंदर आप आईसीओ को डाटा को रिकवर कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ट्रेनिंग दिया कि कैसे हम लोग आईसी के डाटा को निकालेंगे, कैसे हम लोग आईसी को डाटा को रिकवर करेंगे, ऐसा करके मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो भी वीडियो दिया आपको अच्छे समझ में आया होगा, और जिसके पास होगा अगर प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे होंगे तो प्रैक्टिकल को देख करके उनको बड़ा अच्छा लगेगा, और ये देखेगा कि कितना आसान तरीके से आप मोबाइल फोन के अंदर डाटा को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, आगे चलते हैं, फिर हम नए टॉपिक के ऊपर सीखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और अगर कोर्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो दोस्तों हमारा नीचे स्क्रीन पर दिया हुआ है 6391711711, 6391211211, इसमें से किसी भी नंबर पर आप फोन कर सकते हो, कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, मोबाइल फोन रिपेयरिंग को कैसे सीखा जाएगा आसान तरीकों से, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।